गाइस नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ इन दो कोन्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूं, जो कि है फास्ट स्टेन मेहंदी कोन। और आपने देखी होंगी मार्केट में, शायद ये परचेज भी करी होंगी। तो आज इनका जो है पूरा रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि आपको यूज़ करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए और कितनी ज़्यादा हेल्पफुल ये आपके लिए होंगी। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले प्राइस की बात करें तो ये वाली जो कोन है ये है आपकी 10 रुपीज़ की, और ये है आपकी यहाँ पे वैसे प्राइस जो है 25 रुपीज़ का लिखा हुआ है, बट मुझे मतलब उन्होंने दी थी ये 20 रुपीज़ में, ठीक है। और क्वांटिटी दोनों में सेम है, इस पर भी 25 ग्राम लिखा हुआ है और इसमें भी 25 ग्राम ही जो है लिखा हुआ है। और इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ ट्यूब टाइप में है, और अंदर इसका मतलब मैंने अभी ओपन नहीं की है, तो यहाँ पे एक पैकेज लगा हुआ है और मतलब ये पूरा रैप्ड है ताकि अगर ये खुले तो जो है मेहंदी जो है ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए इन्होंने सेफ्टी के लिए ऐसा रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक कोन बना हुआ है जिसकी हेल्प से हम इसको लगाएंगे, ठीक है। ये आपकी जो है जैसे कोन होती है वैसे ही है, और इस टाइप से दोनों हैं, तो आपको ये किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाएंगे। ये वाली जो कोन है गाइज, मैं जहाँ से लेती थी इसको वहाँ पे ये ख़त्म हो चुकी थी और मुझे उसके बाद ही मिली नहीं, बट मेरे पास पहले भी थी और मैं अपनी पिछली वीडियो में इसका डेमो आपको दे चुकी हूँ कि ये कैसे रिजल्ट देती है। हाँ, अगर आपको कोन से ईजी होता है मेहंदी लगाना तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं इसको ओपन करने वाली हूँ, देखते हैं ये कैसे निकलती है। गाइस कुछ इस टाइप से है इसमें, और अब हम इसको करेंगे लॉक। तो गाइस मैंने मेहंदी तो लगा ली है, बट ये जो मेहंदी है बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये जो मेहंदी है ना बिल्कुल इजीली जो है हाथ पे नहीं लग रही है, बहुत ही मतलब टाइट करके उसको प्रेस करना पड़ रहा है, इसीलिए सारी गड़बड़ जो है हो रखी है। तो अभी हम इसको सूखने देते हैं, उसके बाद सूखने के बाद देखते हैं। तो गैस आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था और ये मेहंदी सूखी नहीं रही थी, तो मैं इसको ऐसे ही अब निकाल रही हूँ। जितनी सूख गई थी वो मैंने निकाल ली है, और अभी ये नहीं मतलब गीली ही है, पर मैं इसको निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। और ये प्रकार की हेल्प से मैं इसको निकाल रही हूँ। तो स्टेन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा आया हुआ है, भले इसमें क्लियरिटी से लगा नहीं था मेहंदी, बट अभी स्टेन आने के बाद ऐसा कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। और इतने में आ गई थी सीवी, और वो जब भी मैं ऐसे कुछ कर रही होती हूँ तो देख के मेरे को बोलती है, आप मेहंदी लगा रही हो और मेहंदी पे मुझे डला रही है, छोड़ी हल्ला मत कर। मैं तो क्यों नहीं लगाया, तू आई नहीं, तू आज कहाँ थी सुबह से, मैंने बोला कहाँ। तो इसके बाद उसने जिद पकड़ दी थी कि मेरे पे भी मेहंदी लगाओ, क्योंकि उसके बाद वो मानती नहीं है। तो उसके बाद मैंने उस पे भी जो है मेहंदी लगाई थी, और उसको जब रिमूव करते हैं सूखने के बाद उसमें उस मजा आ रही थी, वरना तो वो मेहंदी लगाने के बाद ही सीधे जो है हाथ जो है वो वॉश कर देती है। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो अभी मेरा हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा रेड हो रखा है, तो अब मैं इसको वॉश करने वाली हूँ, फिर मिलते हैं रात को। तो गाइस मेहंदी मैं अपने हाथ पे अप्लाई करके बता चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा स्टेन इसने मेरे को दिया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा स्टेन दिया है बहुत कम टाइम में। बट गाइस जो नॉर्मल मेहंदी होती है वो इससे जल्दी सूख जाती है, जो हम मार्केट से परचेज करते हैं वो काफ़ी जल्दी सूख जाती है। इसको सूखने में पूरा एक आधा घंटा लगा था, पूरा नहीं सूखा था मैंने, मतलब उतने में ही वो निकाल दिया था। और उसके बाद ये जो होती है क्लियरिटी इसकी नहीं होती है, मैंने आपको बता दिया। और स्टेन इतना अच्छा दिया है कि इसमें पता नहीं चल रहा कि क्लियर जो है मेहंदी नहीं लगी हुई थी, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा टाइट ही है नॉर्मल कोन की, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है तो ये इजीली अप्लाई नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है। उसके बाद जो इसका जो एप्लीकेटर है ये इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है जैसे हमारे कोन होते हैं, काफ़ी मोटा है, इसको हम कट भी नहीं कर सकते हैं। और नॉर्मल कोन जो होती है उसको हम कट तो कर सकते हैं,
कर सकते हैं और इजी नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए मेहंदी। और इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हो या इसको लेना चाहते हो तो आप कोई दूसरे कोन लेना, उसके अंदर इसको डाल देना, मतलब ऐसे कोई कोन इसको डाल देना, उसके बाद आप लगा सकते हो क्योंकि इससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बाद मैं प्रीफर करूँगी कि आप इस टाइप की एक कोन लीजिएगा, मतलब अगर आप इसको लेने वाले हो। प्राइस का 10 रुपीज़ है, दोनों 25 ग्राम्स में है और ये जो है आप इजीली लगा सकते हो। हालांकि ये भी जेल फॉर्म में है, अप्लाई वो वैसी ही होगी बट इसमें इतनी हार्ड मतलब ये काफ़ी इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी कोन के हिसाब से। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइट से प्रेस करना पड़ रहा है तब जाके वो निकल रही है। इसमें आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, हालांकि निकलेगी तो वो वैसे ही जैसे वो जेल फॉर्म में है बट इतनी टफ नहीं होगा जितना कि इसमें था। और 10 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगी और इसको मैं पहले जो है वीडियोस में जो है मैंने यूज़ किया हुआ है इसको और वहाँ पे मैंने आपको इसका रिजल्ट जो है बताया हुआ है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इसको यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ी इसमें थोड़ी सी जो है वो रह चुकी है। अगर आप मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फ्लावर यहाँ पे बना दिया है, ये काफ़ी इजीली जो है अप्लाई हो जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको ज़रूर लें और इसको भी अगर आप ले रहे हो तो इसका जो मटेरियल है आप इस टाइप के कोई कोन है उसमें आप डाल लीजिए, उसके बाद आप आराम से इसको लगा सकते हो। ठीक है, और तो गाइस आप इनको यूज़ कर सकते हो। ब्राइड पे तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका स्टेन जो है काफ़ी जल्दी आ जाता है, ऊपर से इसमें क्लियरिटी नहीं आती है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो छोटे बच्चों पर क्योंकि छोटे बच्चों को क्या होता है कि उनको मेहंदी लगानी होती है और निकालनी होती है बस। जैसे अभी शिविका आपने देखा होगा कि उसको ऐसा होता है कि बस लगानी है निकाल देनी है। ठीक है, तो उनके लिए सही है कि जल्दी लगाओ, उसके बाद चाहे आप ड्रायर की हेल्प से उसको सुखाओ या ऐसे उसको साफ़ कर दो तो वो सही रहेगा आपके लिए। अगर आप ब्राइट पीस को यूज़ करते हो तो हालांकि स्टेन तो अच्छा आ जाता है, क्लियरिटी नहीं आती है और ऊपर से अगर आप कहीं पे जरा मैश हो गया है, आप नॉर्मल कोन जो है हम साफ कर देते हैं, इससे अगर मैश हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे थोड़ा रेड हो जाएगा। जैसे मैंने इसको भी रिमूव किया था तो अभी भी मेरा हाथ जो है काफ़ी रेड हो रखा है और इसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूंगी मेहंदी को। और हाँ, दूसरी चीज़ ये होती है कि ये वाली जो कोन होती है, जब मैंने पहली बार जब मैंने सारी कोन का रिव्यू आपको दिया था उसमें देखा था मैंने कि जब मैंने ये वाली कोन लगाई थी इसका स्टेन जितना जल्दी आता है ना, मतलब 2 दिन के बाद ये स्टेन अपने आप बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, मतलब जितना जल्दी स्टेन आता है उतना जल्दी इसका स्टेन चला भी जाता है मतलब। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा डार्क, इससे भी ज़्यादा डार्क स्टेन चाहिए तो आप बिना पानी से हाथ मत धोना, और इतना ही चाहिए जितना मेरा रखा है। मेरा भी काफ़ी ज़्यादा डार्क आ रखा है और क्योंकि उसके बाद मैंने तुरंत हाथ जो धो दिया था क्योंकि इससे मेरा हाथ जो है बहुत ज़्यादा रेड हो गया था। जब मैं निकाल रही थी तो मैंने सीधा ऐसे निकाल दिया था मेहंदी, तो उसकी वजह से पूरा रेड हो गया था। तो मैंने अपना हैंड जो थे वो वॉश कर लिए थे उसी टाइम पर, पर फिर भी उसका स्टेन जो है आप देख सकते हो कितना अच्छा आया हुआ है। तो अगर आपको और डार्क स्टेन चाहिए तो पूरी ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी आपकी मेहंदी, तो आप हैंड जो है वॉश मत करना, थोड़ा डार्क करना चाहते हो तो, अदरवाइज इतना भी ठीक है। और इन कोन से आप बहुत ज़्यादा मतलब मोटी मोटी जो है डिज़ाइन बना सकते हो। अगर आपको ये बारीकी से जहाँ पे आपको काम करना होगा थोड़ा अच्छी सी मतलब बारीक वाली जो डिज़ाइन होती है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उनको, हाँ वैसे आपको डिज़ाइन बनानी पड़ेगी तो इससे आप नहीं बना सकते हो क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है। वो क्लियरिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि नहीं आएगी इससे। इससे आप जो भी डिज़ाइन बनाओगे वो थोड़ा मोटी मोटी ही आपको बनानी पड़ेगी, तो इसमें यही जो है प्रॉब्लम है। बाकी सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कैसी लगी आज की आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।